आशा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, टीकाकरण कार्य प्रभावित, मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा हड़ताल। संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों के समर्थन में 12 जुलाई से प्रखंड आशा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर के प्रांगण में प्रखंड आशा कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। आशा कर्मियों की 9 दिन से जारी हड़ताल के कारण विभाग के कामकाज ठप हो गया है। गुरुवार को हड़ताल के 9वें दिन आशा कर्मियों ने टीकाकरण कार्य को बाधित कर दिया। अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन कर विभाग और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। हड़ताल के स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्य भी प्रभावित है। आशा कर्मियों ने पारितोषिक नहीं मासिक मानदेय चाहिए, 1000 में दम नहीं, 10000 मासिक मानदेय से कम नहीं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घोषित करने आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का भ्रमण भत्ता 500 भुगतान करने सहित 9 सूत्री मांग कर रहे हैं। इस मौके पर आशा खुशबू कुमारी, अंगूरी खातून, मीना कुमारी, कुंदन देवी, पूनम देवी, पूजा कुमारी एवं फैसिलिटर शबीना खातून, ललिता देवी, राखी कुमारी, पूनम देवी, प्रीति कुमारी, रूबी कुमारी, सुनीता कुमारी, वंदना देवी, प्रेम झा, अनीता देवी, प्रीति सिन्हा सहित दर्जनों आशा कर्मी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खबर में। हड़ताल 12 तारीख से चले, 12 जुलाई से हड़ताल अनिश्चितकालीन अपने 9 सूत्री मांगों के लेकर हड़ताल चल रही है। आशा का मान यही है कि हमको मानदेय दो, सरकारीकरण करो, जो 1000 रुपया काम के एवज में प्रोत्साहित राशि जो दिए हो उसको तुम वापस लो और मानदेय हमको दो। जो समझौता हुई है, जो मेरे साथ 2018 में जो समझौता हुई है उसको तुम लागू करो। अब 1000 नहीं, अब 10000 रुपया देना होगा। आशा फैसिलिटर 20 दिन काम करती है तो 300 रुपया पर डे देता है, अब नहीं, 30 दिन काम लो 500 रुपया पर डे। जिस तरह से आशा को मानदेय मिलेगा उसी तरह से आशा फैसिलिटर को भी मानदेय दो। साड़ी दिए हो तो पेटीकोट नहीं है, ब्लाउज नहीं है वह दो। इसी प्रकार 9 तरह का मांग है, मांग पत्र है, आप किन्हीं से लेके देख लीजिएगा, उसको आप अंकित पूरे जिले में नहीं, पूरे बिहार में 38 जिला में आशा फैसिलिटर अभी हड़ताल पर। कितने दिन से चल रहा है? 12 जुलाई से स्ट्राइक चल रहा है, अनिश्चितकालीन। अभी आशा फैसिलिटर टीका रोको अभियान में है। एक भी कोल्ड चेन के रूम से एक भी बक्सा टीकाकरण का उठने नहीं देगी, टीकाकरण बाधा पहुंचाएगा, और कोई चीज़ बाधा नहीं, टीकाकरण बाधा, सरकार का इंद्रधनुष भाई सबको बाधा पहुंचाएगी। क्या लगता है कि जो मांग आप लोगों का है उसको सरकार मानने के लिए इसके? हमारा कर्तव्य है कि अपने हक को मांगना, और उसका कर्तव्य है कि हमारे हक को देना। वह जब तक देगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं।
संगठन लड़ते रहेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल में अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो शुरुआत है। 12 तारीख से आज कई तारीख हो गया, 20 तारीख है, तो अभी कहाँ हुआ है, होगा इस महीना तक। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, सभी आशा को से भी अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप हड़ताल पर बैठे रहे। बहुत आशाओं की उपस्थिति नग्न है, समझ की फेर है, समझ जाएगी। आज के नगर में शुरुआत हो रहा है हड़ताल का, तो कल से वो भी साथी इस चट्टी पर बैठेगी। उससे क्या अपील करेंगे? उससे यही अपील करेंगे कि यह तुम्हारा लड़ाई है, आशा की लड़ाई है, आशा फसलेटर की लड़ाई, अपने हक हुक के लिए खुद को लड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक समय नहीं दोगे संगठन के पीछे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक हक मिलेगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम भवतारिणी शरण बाबा उप ताज बाबू, हम जिला के भी अध्यक्ष हैं, परमंडलीय अध्यक्ष हैं, राज्य के उपाध्यक्ष हैं। ये सामान्य आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा, क्योंकि हम राज्य के संघ के निर्णयानुसार 12 जुलाई से आशा एवं आशा फैसिलिटेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में। सरकार वादा करती है लेकिन मुकर जाती है, वो गद्दारी करती है, वो झूठा है, वादा करके वो मुकर जाते हैं। तो जिनको अपने बातों पे डटे रहना नहीं आता, वैसे सरकार के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा हक है, अधिकार है, इसलिए हम लड़ेंगे, उनसे मांगेंगे। कहता है कलयुग ऐसा दाता नहीं, बिना मांगले देता नहीं, लेकिन यह हमको छीनना पड़ेगा, अपने अधिकार को हमको छीनना पड़ेगा। और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेंगी। उन्होंने पिछले 2018 में हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया और सरकार ने वादा किया कि हम 1000 रुपया आशा को मानदेय के रूप में देते हैं, लेकिन जब देने की बारी आई तो वो पलटू राम अपने बातों से पलट गए और उन्होंने उस 1000 की राशि को पारितोषिक शब्द कहकर घोषित कर दिया। 6 काम में 4 काम पूरा करेंगी तो वो आपको मिलेगा। क्या ऐसा होता है कहीं? कहां पर ये प्लेटफॉर्म आपने देखा कि जिसको जितनी मेहनत ताना बांध दिया गया है उसको वो मिलता है महीना के लास्ट में? लेकिन एक हमारी ये आशा और आशा फैसिलिटेटर दीदी है जिसको कि जो अपना मेहनत करके कि तुम काम करो दाम लो, ऐसा सरकार का कहना है, उस पर भी काम करते हैं तो 10,000 जाते जाते उनका ऐप ब्लॉक हो जाता है, लॉक लग जाता है, वो ऐप ही नहीं खुलता है कि 10,000 एक रुपया लोड ले लेगा, ऐसी स्थिति में डालकर रख दिए हैं। जिस तरह से सरकार कहती है कि सामान्य कार्य सामान्य मानदेय कहती है लेकिन करती नहीं है, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो इसलिए हम लोग इस बार डट कर उतरे हैं और ऐसा मत सोचिएगा कि वो हमको डरा धमका करके हड़ताल को वापस करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो हमारी बातों को नहीं मानेंगे हम अपने काम पर वापस नहीं आएंगे। क्या परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ नीलम झा, मैं जिला सह प्रमंडल आशा की मंत्री और राज्य की सहायक महामंत्री हूँ। आशा अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रही है, क्या लगता है कि सरकार इसको मानेगी? सरकार मानेगी, क्योंकि देखिए हम जितनी आशा बहने हैं, सरकार का काम जो है हम औरतों पर टिका हुआ है, हम औरत उतना कमज़ोर नहीं है जो कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन सकती है। अगर वो मानते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी हैं तो रीढ़ की हड्डी तो वैसे मांस के लोथड़ों से तो नहीं खड़ा होता ना, उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है, उसके बच्चे भी भूखे होते हैं, तो उसकी मांग हम लोग जायज के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से आशा से काम लिया जाता है, वर्षों से जो भी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं आशा पर ही निर्भर है और इनके अधिकार को सरकार नहीं देख रही है, संगठन लगातार आंदोलन कर रही है, क्या सरकार से अपील कर रही है? सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मांगे वो सुनेंगे, इसलिए कि उनको सुनना ही है,
बच्चा अगर भूख लगता है उसको, अगर दूध नहीं मांगता है तो माँ भी दूध नहीं देती है। सरकार को लगता है कि हमारी बहनें यूँ खट रही हैं, हमसे कुछ मांग ही नहीं कर रही हैं, तो सरकार, अंधे बहरे तो सरकार ही हैं, उनकी रोजी रोटी तो चलती है, तो उनको कहाँ दिखाई देता है कि हमारे बच्चे भूखे भी होते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव, अन्य जो महागठबंधन के लोग थे, वो वादा किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो आशा को अपना जो हक होगा वो देंगे। वो सिर्फ वादा ही वादा होता है, कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि उनका यह काम है वोट लेना है, वादा करना है, काम करना ही नहीं। अब राजनीतिक जो भी दल हैं उनको सामने आना होगा, आपकी आंदोलन को सुनना होगा। क्या परिचय है? मैं निशा सिंह, राज्य महासंघ के अध्यक्ष। हम लोग 9 सूत्री मांग के लिए बैठक किए हुए हैं, और तब तक बैठक करेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी ना हो करे, तब तक हम लोग टीकाकरण बंद करेंगे, और उसके बाद ये ऑपरेशन पखवाड़ा, मिशन इंद्रधनुष, ये सब डिलीवरी पर सब जांच एजेंसी सब बंद कर रखेंगे। हम लोग हड़ताल पर रहेंगे जब तक हम लोग का मांग सरकार सुन ना ले, तब तक हड़ताल पर रहेंगे। क्या परिचय है, नाम क्या? मेरा नाम खुशबू कुमारी, के नगर की आशा में। हड़ताल की है, क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? मानेगी। क्या क्या काम आप लोग को करना पड़ता है? बहुत काम करना, टीकाकरण पड़ना था, रात को ड्रेवी लेके आना पड़ता है, कुछ यहाँ पर बहुत चीज का कमी हो जाता है, आशा को कुछ नहीं मिलता है। आप लोग को अभी क्या सुविधाएं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग जब यहाँ आते हैं तो जो सरकार की निधि है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, आशा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रूना देवी गोकुलपुर, क्या क्या मांगों को लेकर? हम 9 सूत्री मांग है, मैं आशा फैसिलिटेटर हूँ, और हम लोग 30 दिन काम करवाया जाता है, 30 दिन का मानदेय हम लोग मिलना चाहिए। अभी क्या क्या समस्या है आप लोगों को आ रही? अभी लोग समस्या 30 दिन काम करवाया जाता है लेकिन 20 दिन का हम लोग मानदेय मिलता है, यही बड़ी समस्या हम लोग पास है। ये 12 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल। हाँ, ये 12 तारीख। क्या कह के गया? कहा कि हम लोग का जो समस्या है उसको पूरा किया जाएगा, जो मांग है पूरा। पूनम देवी, फैसिलिटेटर जी। आज आपके संगठन के लोग आए थे, उसने क्या निर्देश दिए? और आप बोला जो आपका मांग है उसको पूरा किया जाएगा, हम ऊपर तक आपका मांग को पहुंचाएंगे, आप लोग अपना संघर्ष करते रहिए। क्या क्या कार्य अभी बाधित है सरकारी आप लोगों के द्वारा जो हड़ताल किया गया? टीकाकरण बाधित है, सर्वे बाधित है, प्रसव बाधित है, अभी पखवाड़ा चल रहा है, परिवार नियोजन भी बाधित है। इसको लेकर क्या ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है आप लोगों पर? अभी तक तो नहीं बनाया जी। वापस आ जाइए काम पर? नहीं, अभी तक। क्या जब तक आप लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक आप लोग लगातार लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे? क्या परिचय आपका? मेरा नाम आशा फैसिलिटेटर ललिता देवी। जब आप लोग यहाँ आते हैं डिलीवरी कराने के लिए या अन्य कामों से, क्या सुविधाएं आपको मिलती है? कोई सुविधा नहीं, रहने का भी जगह नहीं है, मिलता कुछ नहीं, आशा को रहने का मच्छर कटाती है अगर रह गई रात तो, कोई सुविधा नहीं। आज 15-16 साल से हम लोग खटे हैं, 2005 से कोई सुविधा नहीं। आशा के लिए छुट्टी नहीं था के नगर में, तब से आशा खट रही है। आज 1000 रुपया परितोष के नाम पर दिया जाता है, गुजारा मिल जाता है? महंगाई बढ़ती जा रही है, आशा का दरमा बढ़ता ही नहीं है। महंगाई में 1000 से क्या हो सकता है? रात में रात हर चीज में आशा तैयार है, अंधा पानी सब में। आप लोगों का 10000 से कम नहीं मानते? नहीं। गुलशा नारा काजा पंचायत, हम लोग की लंबी है लेकिन लड़ाई हम लोग को कमजोर पड़ जाता है के नगर प्रखंड में। चुप रहिए आप लोग, समस्या ये है, आप चुप रहिए, सबसे पहले आशा में कमी है। हम लोग जब एक जड़ मजबूत हो जाते हैं, जैसे हम लोग का हड़ताल था, हम नहीं कराए डिलीवरी, नहीं कराए टीकाकरण, क्यों आशा आके डिलीवरी करा, क्यों आशा आके टीकाकरण कराया? संगठन में ये बात क्यों नहीं? सुनिए पहले, उसके बाद जब के नगर में कोई भी चीज हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है तो हर चीज में पैसा दिया जा रहा है। फैसिलिटेटर खुद बोलता है कि पैसा दीजिए, सब आपका पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, तो क्या सब आशा ये बात नहीं बोल सकता? हम 1000 का भी पैसा को
मिलता है उसमें भी 150 रुपया लिया जाता है। आप लोग चुप रहिए, पहले हर चीज में यहाँ पैसा मांगा जाता है। सुनिए, पहले सरकार से मांगते मांगते थक गए, आज निकल सरकार देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन सबसे पहले क्या नगर में भी जड़ मजबूत रहना जरूरी है। संगठन से मांग करेंगे किस पे ध्यान दे, इस पे भी ध्यान दे, जो ऐसा अगर हड़ताल से डिलीवरी कराएगी उस पे कार्रवाई होना चाहिए, जो ऐसा टीकाकरण कराएगी वो ऐसा पे भी कार्रवाई होना चाहिए। तब हम लोग का एकता होगा, तब हम लोग का हड़ताल पक्की होगा। मेरा परिचय यही है कि हम अंगूरी खातून पटिया रामपुर से बोल रहे हैं, रामपुर घर है, लेकिन हम लोग से कोई भी चीज में हड़ताल, हम एक महीना से हड़ताल में हैं, बंद होगा, लेकिन यहाँ देखिए रजिस्टर खोज के सब आसान डिलीवरी करा के गया है। आपका ये कहना हड़ताल पे है तो सभी एक साथ करना चाहिए, क्यों नहीं करता है ये? मेरा मांग यही है कि हम लोग के सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें यह मानदेय दिया जाए। हम लोग रात में दिन में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बदला में यहाँ पर बैठने का सोने का जगह नहीं मिलता है, कुछ वैल्यू नहीं मिलता है। इसीलिए सरकार से, तेजस्वी सरकार जो इधर बना है उससे आवेदन है, बिहार सरकार नीतीश कुमार से आवेदन है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी करने का घोषणा की जाए, मानदेय दे, यही मांग है।